ಮಹೇಶ್ ಸೈದ್ ಅಹಮದ್ ಬಶೀರ್ ಖಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗ पांचवी ध्वज के बारे में हम पढ़ेंगे कि पांचवा ध्वज जो है कि ज्ञानी हो फिर भी ना कर दुर्जन संग निवास, सर्व सर्व है भले मनी हो उसके पास। कवि नीरज जी कहते हैं कि दुर्जनों का संग बहुत दुखदायी होता है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, भूल कर भी उसके संग नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की संगति के समान होती है। सर्प के पास भले ही मनी हो यानी वो महत्वपूर्ण हो, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्व सर्व होता है। वो डसने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, मौका मिलने पर वो डसने से चुकेगा नहीं। दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी क्यों ना हो पर मौका मिलने पर वो आपके साथ जुल्म अथवा बुरा करने से नहीं झुकेगा। यही पैगाम, यही बात नीरज जी ने इस दोहे के माध्यम से बताने की हमें कोशिश की। दोहे की छठी पंक्तियाँ। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। इसका भावार्थ हम देखेंगे कि कवि नीरज जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की है पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आंखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। ये बयान, ये बात नीरज जी ने इस दोहे के अंदर बयान की है कि सूरदास जी आंखों से अंधे थे लेकिन उनकी भगवान की भक्ति इतनी थी, इन भक्ति की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दर्शन दिए। दोहे की सातवीं पंक्ति। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। कवि नीरज जी फूल की तारीफ करते हुए कहते हैं, आप फूल के साथ कैसा भी व्यवहार करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे तोड़े मसल डाले या फिर उस पर धूल मिट्टी फेंके, पर बदले में वह आपको हमेशा खुशबू ही देता है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। आप उनका कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भला ही करते हैं। वे आपको कभी बुरा नहीं सोचते। यही बात इन दोहों में कवि नीरज जी ने बताने की कोशिश की है। अगला दोहा नंबर 8 का, पूजा के समुच्चय है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। यहाँ पर कवि नीरज जी कहते हैं कि आप कोई भी काम, नौकरी या कारोबार करते हो उसे पूजा समझकर करें। उसमें इस तरह लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में दूध मिलकर एक रूप हो जाता है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि वह जो भी काम करो उसको पूरी तरह से हमें रम जाना चाहिए, उसमें हमने जो भी हम नौकरी करते हैं उसके अंदर हमारा पेशा ईमानदारी का होना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश